आजकल सब लोग हेल्दी खाना पसंद करते हैं और जल्दी भी बन जाए वैसा सब लोग चाहते हैं, तो उसके लिए आज मैं लेके आई हूँ सलाद की रेसिपी जो सुपर हेल्दी है और बनाने में एकदम आसान है। तो फिर चलो बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए कैबेज। अभी कैबेज की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हो, और उस कैबेज को हमें ऐसे लंबे लंबे लच्छे जैसा कट करना है, और अभी उसको साइड में रख देंगे। फिर उसके साथ हमें फ्रेश कोकोनट लेना है। आप ये इंग्रेडिएंट सबसे ज़रूरी है, तो इसको आप स्किप मत करिएगा, और हमें फ्रेश कोकोनट ही लेना है। कोकोनट की क्वांटिटी मैंने यहाँ पे कैबेज से आधी रखी है। अभी इसका तड़का हम लगाएंगे, वो भी कोकोनट ऑयल में ही लगेगा, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो 1 टेबलस्पून कोकोनट ले लीजिए, और उसको थोड़ा गर्म करके उसके अंदर राई, उड़द दाल और हरी मिर्च का तड़का करना है। और इसके बाद हम डालेंगे फ्रेश करी लीव्स, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्लेम को आप स्लो कर लीजिए। थोड़ा सा हींग और फ्रेश कोकोनट, उसको हम 30 सेकेंड्स जितना थोड़ा सा भून लेंगे, ताकि उसका स्वाद बहुत अच्छा लगे। और उसके बाद हम ऐड करेंगे कैबेज जो हमने पहले से कट करके रखा है। अभी सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और एक या दो मिनट तक ही पकाना है। हमें कैबेज को उतना नहीं पकाना है, उसका क्रंच जो है वो रहना चाहिए, तभी हमें सलाद खाने में अच्छा लगेगा। अगर आप अच्छे से आपको मिक्स करना है, तो आप फॉक भी यूज़ कर सकते हैं, तो फॉक से आप अच्छे से मिक्स कर पाओगे। और लास्ट में हम ऐड करेंगे सॉल्ट। टेस्ट के हिसाब से आप सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, और अच्छे से टोस्ट कर लीजिए। तो रेडी है हमारा कैबेज कोकोनट सैलेड। अब इसको गरम खाए इससे अच्छा है कि थोड़ा ठंडा हो जाए, तभी आप उसको खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, तो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी कुकिंग।